शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान दूसरा अध्याय छठी कहानी। तरसम न रस्सी बकाबा ए इराबे की रह के तू मिर्वी व तुर्किस्तानस्त अर्थात ए अरब तो कभी काबा न पहुंचेगा क्योंकि तूने जो रास्ता पकड़ा है वो काबे का नहीं तुर्किस्तान का है। विपरीत पथ पर चलने से सिद्धि की प्राप्ति कभी संभव नहीं। किसी बादशाह ने एक फकीर को भोज के अवसर पर आमंत्रित किया। फकीर आकर पत्तल पर बैठा और उसको जितना कम खाने की आदत थी उससे भी अधिक कम खाने लगा और जब ईश्वर की प्रार्थना करने को खड़ा हुआ तो रोज से और ज्यादा देर तक ठहरा कि जिससे लोग उसकी ईश्वर निष्ठा की प्रशंसा करें। ए अरब, मैं समझता हूँ कि तू काबे तक न पहुंचेगा क्योंकि जो रास्ता तूने पकड़ा है वो तुर्किस्तान का है। जब वह घर पहुंचा तो उसने आज्ञा दी कि थाली परोसो, मैं खाऊंगा। उसका बड़ा बेटा समझदार था, उसने कहा, पिताजी आप राजा के यहाँ भोज में गए थे, क्या वहां आपने कुछ नहीं खाया? उसने जवाब दिया, किसी उद्देश्य से मैंने उसकी उपस्थिति में कुछ नहीं खाया। पुत्र ने कहा, बारंबार ईश्वर की प्रार्थना कीजिए क्योंकि आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे आपका उद्देश्य सिद्ध होगा। तू अपने गुणों को हथेली पर रखता है और दोषों को बगल में छिपाता है। अरे घमंडी हतभागे, तू दूरदिन में अपने कुद्रव्य में क्या खरीदने की उम्मीद रखता है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो लोग मनुष्यों में प्रतिष्ठा लाभ करने के लिए अपने सामान पूजाने के लिए साधु महात्माओं का सा टोंक करते हैं किंतु लोगों की नजर से बाहर होकर असाधुओं का सा काम करते हैं वे अच्छा काम नहीं करते, वे भूल करते हैं। इस राह पर चलने से वे ईश्वर की राह को छोड़ते हैं और कुराह पर चलते हैं। अंत में ऐसे बनावटी साधुओं का परिणाम खोटा होगा, उन्हें ईश्वर दर्शन हरगिज न होगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी?